हेलो चो, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे EDMC द्वारा दी गई वर्कशीट। दिना अब सप्ताह है 29। विषय हिंदी, कक्षा 3 की है। आज का उप विषय है अपठित गद्यांश। चलिए बच्चों, बिना समय गवाए वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। प्रश्न 1, दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। चलिए यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसे पढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस, जिस तरह हमारे घर परिवार को चलाने के लिए हमारे माता पिता कुछ नियम बना देते हैं, ठीक वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। बच्चों, जिस तरह से हमारे घर को चलाने के लिए माता पिता हमारे पर नियम और कानून बनाते हैं, उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे प्रमुख नेताओं ने मिलकर देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए हैं उन्हें संग्रह उनके संग्रह को हम क्या कहते हैं, संविधान। जो हमारे नेता और जो हमारे मंत्री होते हैं वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नियम और कानून बनाते हैं, उन्हें हम संविधान कहते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन भारत एक गणतंत्र कहलाया। जिस दिन भारत एक क्या कहलाया बच्चों, गणतंत्र। 26 जनवरी, इसीलिए 26 जनवरी को हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस भारत के 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। इस दिन को हमारे देश में आत्मसम्मान व गौरव से जोड़ा जाता है। इस दिन देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारतीय सेना द्वारा विजय चौक से इंडिया गेट तक परेड की जाती है, राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है और विभिन्न राज्यों की झांकियां भी दिखाई जाती हैं। विद्यालयों में भाषण, निबंध लेखन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न क, संविधान किसे कहा जाता है। संविधान देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनके संग्रह को क्या कहते हैं, हम संविधान। ठीक, ख देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत को किस दिन गणतंत्र घोषित किया गया था। भारत को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया था। आगे देखें क्या दिया है। गणतंत्र दिवस के दिन विजय चौक पर कौन कौन सा कार्यक्रम होता है। गणतंत्र दिवस के दिन बच्चों विजय चौक पर कौन सा कार्यक्रम होता है। भारतीय सेना द्वारा विजय चौक से इंडिया गेट तक परेड की जाती है और राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है और विभिन्न राज्यों की झांकियां भी दिखाई जाती है। घ देखते हैं, दिए गए संयुक्त शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों यहाँ पे संयुक्त शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें वाक्य बनाने हैं। चलिए देखते हैं पहला क्या दिया है। माता पिता, हमें अपने माता पिता, मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक, दूसरा नियम और कानून, देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। घर परिवार में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और ड देखते हैं क्या दिया गया है। ड, नीचे दिए गए शब्द गद्यांश से लिए गए हैं, शब्दों का उनके अर्थों से उचित मिलान कीजिए। यहाँ पे शब्दों का मिलान करना है। चलिए बच्चों मिला लेते हैं। एक क्या दिया हुआ है, गौरव। गौरव का है महत्व। दिवस, दिवस का है दिन। और विभिन्न, विभिन्न का तरह तरह की। और यहाँ पे स्वतंत्रता, आज़ादी। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखते हैं च, आपने गणतंत्र दिवस के बारे में पढ़ा। इस दिन आपके विद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं बच्चों, किए जाते हैं, लिखिए। यहाँ पे देखिए, गणतंत्र दिवस पे ध्वजारोहण होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भाषण होता है, प्रतियोगिताएं होती है, देशभक्ति गीत आदि। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। छ,
हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कितने और कौन कौन से हैं निम्न लिखिए। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय त्यौहार 3 हैं, कौन कौन से। एक है गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, दूसरा स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, तीसरा है गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बच्चों कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, 3 राष्ट्रीय त्यौहार है, पहला गणतंत्र, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा गांधी जयंती। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।